हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉर एवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर बहाली निकाली गई है। इसका जो है आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साथ मैं आपको इस वीडियो में एक फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल वाले बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि मैं जैसे वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में आएंगे और गूगल में सर्च करेंगे। आपको सर्च क्या करना है, डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। आपको कीवर्ड याद रहे, डीएस हेल्पिंग फॉर एवर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है सबसे ऊपर में ही डीएस हेल्पिंग फॉर एवर .com की ऑफिशियली वेबसाइट खुल जाएगी। आपको इसको क्लिक करना है। जिसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है वेबसाइट आ जाएगा। ये जो है इस यूट्यूब चैनल का ऑफिशियली वेबसाइट है। आपको यहाँ पे लाइव अपडेट में भी दिखा दे रहा है एमपीपीबी पुलिस कांस्टेबल जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2021, या आप यहाँ पे सरकारी जॉब वाले सेक्शन में भी आप दिख जाएंगे यहाँ पे। तो आप जो है किसी लिंक पे भी क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब आप जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो यहाँ पे मैंने आसान भाषा में आपको समझने के लिए जो है मैंने आसान भाषा में सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। देखिए, या इसका जो लास्ट डेट है 30 जनवरी 2021 तक लास्ट डेट है, तो आप यहाँ पे लास्ट डेट ध्यान रखेंगे और फॉर्म को उससे पहले आपको फिलअप कर लेनी है। एप्लीकेशन फी, उसके वजह से एज लिमिट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन भी बताया हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सैलरी क्या होने वाली है, उसके वजह से टोटल वैकेंसी कितनी है, तो देखिए जीडी कांस्टेबल के लिए 3862 पद है और रेडियो कांस्टेबल के लिए 138 पद है। अगर आप रेडियो कांस्टेबल से आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है 12वीं के साथ साथ आपको आईटीआई डिप्लोमा इस तरह की जो है टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और साथ साथ टाइपिंग आपको आनी चाहिए। लेकिन अगर आप जीडी कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पद है 3862, उसके लिए आपको केवल फ्रेंड्स यहाँ पे 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप एसटी से हैं तो केवल 8वीं क्लास पास है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पे मैंने सब चीज रख रखा है कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आप आवेदन करने से पहले पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब तो रहेगा ही। आधार नंबर आपको मैंडेटरी है, केवाईसी इसी के माध्यम से होगा। तो आधार कार्ड आपको जो है ओटीपी के माध्यम से भी केवाईसी हो सकता है, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है। नहीं तो आप फिंगरप्रिंट के द्वारा जो आपको केवाईसी यहाँ पे करना होगा, फोटो सिग्नेचर। उसके बाद से यहाँ पे आपको रोजगार रजिस्ट्रेशन नंबर होना अति आवश्यक है एमपी रोजगार पोर्टल से। मैं भी आपको बताऊंगा एमपी रोजगार पोर्टल क्या है और किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैट्रिक इंटर का जिस लेवल पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको चाहिए। अब आवेदन करने के लिए यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, इस प्रकार से जो है खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी जो जानकारी बताई गई है, 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2021 तक आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पे आप जो है पीडीएफ पे क्लिक करेंगे रेड वाले पे, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अन्यथा आप यहाँ पे ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे तो आवेदन करे का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से जो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, डिक्लेरेशन करना है आपको यहाँ पे, आगे इसको डिक्लेयर करना है आपको, टिक करना है और उसके बाद से आगे बढ़ाए पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो इस प्रकार से आएगा। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि सामान्य पंजीकरण क्रमांक, मतलब ये कि अगर आपने ऑलरेडी एमपी में अगर आपने कभी फॉर्म फिलअप किया हुआ है और इस पोर्टल पे आपने कभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है एमपी का, तो आप यहाँ पे पंजीकरण संख्या लिख के, जन्मतिथि लिख के, कैप्चा कोड भर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी लिखना है और एक कैप्चा कोड सॉल्व करके आपके सामने जो भी आएगा माइनस प्लस उसको आप घटा जोड़ लीजिएगा। उसके बाद से ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख के ओटीपी भेजेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा 6 अंकों का, उसको आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे ओटीपी सत्यापन करने पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है पंजीकरण करे का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको अगेन क्लिक करना है। अब इसी क्लिक करेंगे आपका जो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोफाइल लॉगिन, आपको जो यहाँ पे अब प्रोफाइल लॉगिन करना है, यानी ये मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और जस्ट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी चला जाएगा और प्रोफाइल पासवर्ड के साथ साथ। तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर को चेक करना है और चेक करने के बाद से आपको वहाँ पे पंजीकरण क्रमांक संख्या मिलेगा और प्रोफाइल पासवर्ड मिलेगा, वो दोनों को लिख के इस कैप्चा को भर के उसके बाद से आपको जो है लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
जिसे आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे अपना प्रोफाइल पासवर्ड आईडी लिख के, तो आपके सामने इस प्रकार से आएगा प्रोफाइल पंजीयन के लिए ई केवाईसी आपको सत्यापन करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले क्या आपके आधार क्रमांक है, आपको यहाँ पे हाँ करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि विकल्प को चयन करें, तो ई केवाईसी ओटीपी द्वारा, यानी आपके आधार कार्ड से मोबाइल में जुड़ा है तो आप जो डायरेक्टली ई केवाईसी कर सकते हैं, नहीं जुड़ा है तो आप क्या करेंगे बायोमेट्रिक के द्वारा सत्यापन करेंगे। तो आपके पास फिंगर डिवाइस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको जो है दुकान की सहारा लेनी पड़ेगी, जो आपको सुविधा केंद्र पे मिल जाएगा या साइबर क्रिमिनल जाके आप जो है करा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इसको टिक करेंगे, टिक करने के बाद से आप जो है आगे बढ़ाई पे क्लिक करेंगे। अब जिसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है और उसके बाद से क्या करना है, इसको आपको जो है डिक्लेयर करना है और उसके बाद से इस कैप्चा को भर के जनरेट केवाईसी ओटीपी पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा और आपका जो है केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। अब जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना आधार केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो आपका डिटेल्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक संख्या दिखाना शुरू कर दिया, आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अभी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको व्यक्तिगत विवरण पूछा गया है, यानी आवेदक का नाम, अपना नाम लिखेंगे और आवेदक का उपनाम, यानी जो है उपनाम न होने के स्थिति में एनए लिख सकते हैं आप, अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम लिख सकते हैं, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर है तो यहाँ पे हाँ क्लिक करेंगे, और अगर आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है पूछा गया श्रेणी, तो आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल या एससी एसटी, क्या है अपनी कैटेगरी यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आप जनरल चूज करेंगे तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की श्रेणी यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, आपको इसमें से चूज करना होगा। तो अगर आप नहीं है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, आप चाहे तो यहाँ पे टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टिक भी हो जाएगा, लेकिन आप जो है एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो है उच्च शैक्षणिक योग्यता पूछा गया कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। निवास का क्षेत्र क्या है, मतलब आप ग्रामीण से आते हैं या शहरी से आते हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आवेदक विकलांग है 40% से कम से कम, तो विकलांगता कंडीशन में यहाँ पे यस में आपको बतानी है। उसके बाद से यहाँ पे हैंगे तो यहाँ पे बताना है कौन से प्रकार का विकलांगता है। उसके बाद से क्या आप लोकोमोटर डिसेबल हैं, तो उनके लिए है, जो विकलांग है उनके लिए है। अब यहाँ पूछ रहा है क्या आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, आपको अपनी बताना है हाँ या नहीं में। उसके बाद से यहाँ पे अगर होंगे तो ये सारी जानकारी भरनी है, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे सब चीजें डिसेबल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, अपना यहाँ पे वर्तमान पता बतानी है, यानी मकान संख्या नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, मकान संख्या काफी लोगों को नहीं पता होता है। उसके बाद यहाँ पे गाँव का नाम लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, क्षेत्र लिखेंगे, कॉलोनी, राज्य, राज्य चूज करने के बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, उस किस राज्य से आप आते हैं। तो सपोज आप बिहार से आएंगे तो बिहार का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, आप अपना बिहार का डिस्ट्रिक्ट खुल के आ जाएगा। पिन कोड अपना लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे जो है आवेदक का शरीर का स्थायी पहचान, मतलब बॉडी में कोई पहचान है तो आपको बतानी है कि तील है, कटा हो या जो भी है आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप आधार कार्ड यहाँ चूज करेंगे तो आधार कार्ड की सारी जानकारी आ जाएगी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्या आप वोटर आईडी कार्ड, क्या आप परीक्षा में लेकर जाएंगे, ये जानकारी यहाँ पे आपको चूज करनी है। उसके बाद से नीचे आएंगे, अब यहाँ पूछ रहा है कि बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपने बैंक खाता का विवरण देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यस करेंगे और अपनी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं देना चाहते यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो है डिक्लेयर करना है, उसके बाद से इसके बाद से आपको यहाँ पे पंजीकृत कर पे क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे पंजीकृत कर पे क्लिक करेंगे आप जो यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, अब आपका यहाँ पे प्रोफाइल जो है खुल के आएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि संलग्न करना है, मतलब आपको जो है अटैच करनी है। आप देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे समझने वाली बात यही है, यहाँ पे देखिए आपको जो है एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड टेम्पलेट्स का, और यहाँ पे व्यू सैंपल इमेज भी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड टेम्पलेट्स पे, आप सैंपल भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो क्या करते हैं इसको क्लिक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो एक टेम्पलेट डाउनलोड होगा, इसको क्या करना है आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है। इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद से आपको जो है
इसके अंदर साइन करनी है। उसके बाद से आपको जो है कि यहाँ पे फोटो भी लगानी है, चिपकानी है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बॉक्स टू में आवेदक का पूरा हस्ताक्षर करें, ये जानकारी यहाँ पे बताई गई है। बॉक्स वन के बारे में बात करें तो बताया गया है कि फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फोटो खिंचवाने का दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो फोटो का कंडीशन आप समझ गए होंगे। उसके बाद से ये जो घोषणा दिया हुआ है आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स में लिखनी है, बॉक्स नंबर 3 में। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी में माध्यम से आप जो है क्या करेंगे, इस बॉक्स में जो है इस बीच में ही आपको लिखना है, प्रिंट आउट करेंगे, ये सारी चीज को आपको भरनी है। भरने के बाद से आपको क्या करना है, स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद से देखिए यहाँ पे जो है सैंपल भी दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए इस प्रकार से जो सैंपल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो है सही कंडीशन यहाँ पे बताया गया है, कैंडिडेट्स का नाम है और कब उसने फोटो खिंचवाया वो यहाँ पे डेट मेंशन है, उसका साइन यहाँ पे बीच बीच में होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे उसने जो है अपने हैंडराइटिंग में इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है बाहर चला गया है बॉक्स से, तो इस तरह से मैंडेटरी नहीं है, इस तरह से आप करना है जो इधर वाला है, ये वाला मेंशन किया गया, इस प्रकार से आपको जो है सैंपल यहाँ पे दिखाया गया, मतलब ये वाला सही है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप क्या करेंगे, फॉर्मेट जो है बना लेंगे, बनाने के बाद से उसको जो है आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेंगे। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग का ऑप्शन आएगा और सबको जो है आपको 200 KB, मतलब वो जो पेज होगा 220 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो हस्ताक्षर और लिखित टेस्ट अपलोड करें, यानी चूज फाइल पे क्लिक करके आप उसको जो है फाइल को चूज करेंगे और उसके बाद से व्यू इमेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दिखाई दे देगा कि आपने जो है अच्छे से इमेज अपलोड किया है कि नहीं किया है। अब यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है इसको टिक करने के लिए, आपको टिक कर देना है, इसको भी टिक करना है और उसके बाद से यहाँ पे इसको भी टिक कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे कि आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र हेतु, तो आप जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए, 400 यहाँ पे बताया गया है कि पिक्सल में क्या होनी चाहिए, हाइट विड्थ क्या होनी चाहिए। और उसके बाद से अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं या OBC हैं तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे दिव्यांग वाला अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उसका जो मिलता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद से सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल अपलोड करेंगे, डिटेल्स इमेजेस वगैरह अपलोड करेंगे तो आपको इस प्रकार से प्रीव्यू खुल कर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे जो है सैंपल वाला ही अपलोड करके दिखाया है। देखिए जब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। जब मैं ये सैंपल अपलोड कर रहा था तो उस समय क्या हो रहा था कि धुंधलापन था वहाँ पे टेक्स्ट को, तो वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आपको जो है जब सही से अच्छे से लिख के साफ सुथरा अपलोड करेगा तो इजिली आपसे अपलोड हो जाएगा। और ध्यान रहना 220 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से जो मैंने अपलोड किया, आपको यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है तो आप जो इसे प्रिंट आउट करके अपने पास एक रख सकते हैं। अब चलिए मैं इसे क्लोज करता हूं, आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स जब आप अपना प्रोफाइल प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे तो वहां पे जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हुआ होगा, उसको नोट डाउन कर लेनी है और डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको लॉगिन करनी है। अब अगेन आपको जो इसी पेज पे आना है जिस पेज पे मैंने आपको लेकर आया था। अब इस पेज पे कैसे आएंगे, इस पेज पे आने के लिए अगेन आपको जाना होगा dshelpingforever.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आएंगे तो इस पेज पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और आने के बाद से आपको यहाँ पे इस ग्रीन टिक वाले पे क्लिक करना है, आवेदन करें। आवेदन करने के बाद से आपको यहाँ पे घोषणा करना है और आगे बढ़ाए पे क्लिक करना है। अब मैंने आपको यहाँ पे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करके बताया, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद से आपको यहाँ पे पंजीकरण संख्या मिलेगा जो कि मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया, उसको यहाँ पे लिखना है नंबर को, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे इसी फॉर्मेट में और कैप्चा भर के आप जो यहाँ पे सत्यापित कर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या और डेट ऑफ बर्थ लिख के आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रोफाइल दिखा देगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पे आगे बढ़ाए पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको जो यहाँ पे इस प्रकार से खुल के आएगा, अगेन आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए और जानकारी यहाँ पे से पूछी जा रही है, जैसे कि आपका कोई क्लास है इस प्रकार से, जैसे भूतपूर्व सैनिक है, नेवस नगर सैनिक है, नहीं है तो आपको यहाँ पे बिना कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे और भी यस नो आपको पूछा गया, आप जो है सैनिक कर्मचारी नगर मंडल कर्मचारी अगर है तो यस करें, नहीं करेंगे
मध्य प्रदेश शासन अधीन कर्मचारी अगर है तो यहाँ हाँ करेंगे नहीं करेंगे, तो ये जो है एक्स सर्विसमैन सर्विसमैन के लिए यहाँ पे बताया गया। क्या आप जो है विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी अगर है तो यहाँ पे हाँ करेंगे नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद से आपका जो है मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो आपका गृह जिला कौन सा है आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। उसके से पूछ रहा है कि क्या आप अति जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा अंतर्गत जाति से विवाहित प्रोत्साहन योजना है, देखिए ऑन हाईलाइट है इसे छोड़ देना है। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि अध्यापिका पुस्तिका 2 के उल्लेखनीय विचार में, मतलब ये जो है क्वालिफिकेशन आपसे पूछ रहा है कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे टिक करेंगे अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स कि रेडियो के लिए आपको जो है 10+2 पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है ये देख सकते हैं एनसीबीटी से आईटीआई होना चाहिए या डिप्लोमा मैकेनिकल टेलीविजन, मतलब ये सब में से कोई होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह का दक्षता रखते हैं तो आप इसको टिक करेंगे, नहीं रखते तो इसे छोड़ देंगे। अन्यथा यहाँ पे देखिए आरक्षक के लिए जो है उसके वजह से आरक्षक 2 तरह की यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे अंतर्गत 10वीं कक्षा परीक्षा हायर सेकेंडरी पास होनी चाहिए या अनुसूचित जाति से है तो आपको 8वीं पास होनी चाहिए, तो आप इसे क्या करेंगे टिक आउट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद से यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेंस, तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का प्रिफरेंस बताना है कि आपको जो है जॉब होगा तो आप सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट को आप जो यहाँ पे प्रिफरेंस देंगे वहां वैकेंसी पाने के लिए, तो आपको इस तरह से जो है टिक कर देना है अपने अनुसार। आप जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, आप यहाँ करेंगे उसको आगे वाले पे टिक करेंगे इस बॉक्स में जो है क्या होगा आ जाएगा ऑटोमेटिक भर के, देख सकते हैं आप इस प्रकार से जो है भर रहा है। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है चूज कर लेना है। अब इसको चूज करने के बाद से आपको थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद से आपको देखिए पूछ रहा है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, यानी रोजगार कार्यालय आपका पंजीकरण संख्या होना चाहिए। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स रोजगार पंजीयन यहाँ पे ये होता है, देखिए यहाँ पे बताता हूँ, ये है रोजगार पंजीयन का वेबसाइट एमपी रोजगार पोर्टल, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। देखिए जॉब सीकर न्यू टू दिस पोर्टल, इस पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है यहाँ पे अपना पूरा जो है प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। एनसीएस का आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको पता होगा, सेम उसी प्रकार से आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। आपको जो एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे, देख सकते हैं तो काफी आसान है, आप इजीली जो है कर लीजिएगा। पंजीकरण संख्या लिखेंगे, कब आपने पंजीकरण किया वो दिनांक लिखेंगे और रोजगार जिला का नाम यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि पंजीकरण है अथवा नहीं है, तो अपने अनुसार यहाँ पे हाँ करना है और उसकी जानकारी यहाँ पे भरनी है। अब यहाँ पे देखिए ये दक्षता मांगी गई है शारीरिक, उसको आपको यहाँ पे हाँ कर देनी है, अगर नहीं करेंगे तो आप जो है नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। उसके से पूछ रहा है कि आप जो शैक्षणिक योग्यता अर्हता रखते हैं, आपको हाँ कर देनी है, यहाँ पे नो नहीं होगा। उसके से पूछ रहा है कि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो क्या आप 10वीं बोर्ड से उच्च शिक्षा उत्तीर्ण है, तो एससी कैंडिडेट्स में यहाँ पे आएगा तो आपको हाँ कर देनी है, अगर 10वीं पास है तो नहीं है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपका डिटेल्स आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है लिखित परीक्षा कहाँ देना चाहते हैं, यहाँ पे एमपी का जो है मेजर सिटीज यहाँ पे दिखाई देंगे, आपको यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद से आपको यहाँ पे आगे बढ़ाई पे क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे डिटेल्स फिर से दिखाएगा। आप यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपने जो है पेमेंट नहीं किया है, इस प्रकार से भुगतान नहीं है, तो आपको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप जो सिंपली प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ पे पेमेंट जमा नहीं करेंगे तब तक आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, मैं इसे जो है प्रिंट आउट करके रख लूंगा। आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद से फ्रेंड्स इस प्रकार से जो आपको पेमेंट करने का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे जो आप ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन चूज करके जो है इजिली पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो मैं आपको प्रेफरेंस करूंगा कि आप जो है क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करें। तो आप यहाँ पे देखिए चूज कर सकते हैं, SBI ई पे है तो SBI के द्वारा आप करें क्योंकि काफी सिक्योर होता है और अच्छा होता है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगा, आपको ओके कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आप जो पेमेंट मोड पे चले गए हैं, आपको यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल्स फिलअप करनी है और एक्सपायरी डेट और CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है उतना कट जाएगा। उसके बाद आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट करके रख लेनी है। अब इसमें एक और सुविधा है फ्रेंड्स कि अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप जो इजीली सुधार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सुधार करने का लास्ट डेट भी यहाँ पे दिखाया गया है, तो अगर आप कोई मिस्टेक कर दिए हैं तो आप इजीली सुधार भी कर सकते हैं। 4 फरवरी 2021 तक जो आप सुधार भी इसको कर सकते हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी होगी। आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बावजूद आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस सर्विंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।